हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मेजर बीस्ट वाईटी। एंड ये बोलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ये लाइन मैंने बोली है पूरे एक साल बाद। सो आज की इस वीडियो पे हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं मेरे ट्वीट के ऊपर। मैंने एक ट्वीट करा था जो कि थोड़ा सा वायरल हो रहा है कम्युनिटी के अंदर कि भाई एक्चुअली में उस ट्वीट का मतलब क्या है, मेजर बीस्ट बोलना क्या चाहता है। और मैं भी हाल फिलहाल अपने इंस्टाग्राम को चेक कर रहा था तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे बताया भी था, बोला भी था यार वापस आओ, कब स्ट्रीम करोगे, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, वीडियो क्यों बना रहे, कम्युनिटी की क्या हाल है, टूर्नामेंट कब आ रहे हैं, ये वो फलाना निमदाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है एक वीडियो बना लेते हैं जिसके कारणवश हमारे जो विचार है वो हम प्रकट कर पाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड आपको बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कम्युनिटी टूर्नामेंट्स के ऊपर। सो यार इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक है अपना मल्टीप्लेयर का और एक है अपना बैटल रॉयल का। पहले बात करेंगे चलो बैटल रॉयल की। बैटल रॉयल में अगर हम बात करते हैं तो यार वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे स्क्रिम्स देखने को मिल रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स करवा रहे हैं, कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स करवा रहे हैं। और उसके बाद टूर्नामेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, 50,000, 10,000, 20,000, ये तो आम है यार। क्या पता आगे और भी ज़्यादा बढ़िया आ जाए टूर्नामेंट्स, और भी अच्छे प्राइस पूल के आ जाए। एंड इसके साथ अगर हम बात करें मल्टीप्लेयर की तो यार अभी हाल फिलहाल मैंने सुना है कि T2P ने कुछ एवोल्यूशन सीरीज अनाउंस करी है, वो 20,000 का है और आगे कुछ और भी आने वाला है, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया की तरफ से भी आने वाला है, मतलब बहुत कुछ है। कम्युनिटी टूर्नामेंट्स तो चलते ही रहेंगे। एंड चलिए बात करते हैं अब सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट था हमारा WC अनाउंसमेंट। यार कॉड मोबाइल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया अपना इस साल का वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 के लिए। एंड इस बार वो पार्टनरशिप हुए हैं, पार्टनर कर उन्होंने स्नैपड्रैगन के साथ। इसका मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इस वीडियो में मैं बताना नहीं चाहता, बट मैं इतना बता देता हूँ कि जितना भी वहाँ पे लिखा हुआ है उसको और अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इंडिया के लिए कौन करवा रहा है, इंडिया में कौन सा TO है, ये सारी की सारी जानकारी मैं स्पेसिफिकली इसके लिए वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको बता रहा। लेकिन हाँ, WC अनाउंसमेंट आप लोगों को देखने को मिल चुकी है जो कि इनके ऑफिशियल हैंडल पे सोशल हैंडल्स में ऑलरेडी हो चुकी है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो रहेगा हमारा ऑफिशियल LAN अनाउंसमेंट। यार ऑफिशियल LAN स्पेसिफिकली फॉर इंडिया विद ऑडियंस क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, पहला इसका आंसर है यार देखो LAN तो होने ही वाला है, वो 100% श्योर है। और ऑडियंस के साथ होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कुछ सेवरल फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें से एक आता है कि यार किस तरीके की पार्टनरशिप करी गई है TO और पब्लिशर के बीच में। उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो उसमें आ जाता है कि यार कितना बजट है, कितना का एक तरीके का जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का बजट आता है वो कितना दिया हुआ है। और थर्ड पॉइंट आता है कि यार कहीं कोविड दोबारा तो नहीं आ जाएगा, कोविड तो नहीं होगा, ना ही आए तो बढ़िया है। एंड ये कुछ और भी फैक्टर्स अगर हम ऐड करेंगे, अगर ये सब कुछ सही जाता है तो हमें एक ऑडियंस के साथ LAN देखने को 100% मिल सकता है। लेकिन हाँ मैं आप लोगों को ये बता दूंगा, अब हम मेरी वीडियो पे आने का कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा फायदा होना चाहिए ना, वो यही है कि यार ये मैं बता दूँ कि ये जो LAN है ये WC से रिलेटेड तो नहीं है। सो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो आता है TPT मतलब थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स। तो यार देखो स्काई स्पोर्ट्स पोवा कप के साथ आया था, क्या पता वो वापस आ जाए किसी और IP के साथ, क्या पता बाय द वे इसमें। हाँ लेकिन हाँ अप्सरा स्पोर्ट्स भी कुछ ना कुछ करवाने का सोच रहा है कॉड मोबाइल के साथ, ऐसा कुछ सुनने में आया था मेरे को, मैं 100% श्योर नहीं इस बात पे भी। लेकिन थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज नई नई ऑर्ग्स जो है वो इस सीन के अंदर एंटर कर रही है। अब जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नई नई ऑर्ग एंटर कर रही है सीन के अंदर, मेरा मतलब ये है कि हाँ आपको अब रोस्टर शफलिंग होते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारी लाइनअप डिसबैंड हुई है, नई टीम्स बनेगी, नए प्लेयर्स खेलेंगे। इसके ऊपर स्पेसिफिकली मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा बढ़िया, कि किस तरीके की कौन सी लाइनअप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन सी ऑर्ग जो है वो इस पूरे के पूरे सीन में एंटर करने वाली है। मेरे पास कुछ हिंट्स तो हैं बट शायद से अभी देना लाजमी नहीं होगा, तो थोड़ा सा वेट करिए। आई विल बी पोस्टिंग मोर सच कॉन्टेंट। यार अगर आपको पसंद आई ये वीडियो प्लीज थम्स अप देना। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि क्या आप आगे देखना चाहते हो, किस टॉपिक को चाहते हो कि मैं कवर करूं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं एक अच्छी सी सीरीज बना रहा हूं इस पूरी पूरी कम्युनिटी के ऊपर कि यार इसमें क्या चल रहा है, कहां हम लैग कर रहे हैं, क्या है कम्युनिटी में, कौन से टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, WC की पूरी अपडेट्स उस सीरीज में होगी। बेसिकली एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगी आपको कॉड एम के बारे में जानने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। सो अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।